हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने लास्ट जो वीडियो थी वहाँ पर कुछ कंटेंट पढ़ा था। अब उससे रिलेटेड बुक के न्यूमेरिकल्स है जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ। सो बहुत ध्यान से करना। सो न्यूमेरिकल वन इज गिवन, ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स है, राइट? सो इसमें गिवन है द स्पीड ऑफ अ मूविंग कार इज 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वो मूव कर रही है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर आवर, मतलब एक घंटे में वो 72 किलोमीटर जो है डिस्टेंस को कवर करती है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, आपको ये बताना है कि एक सेकेंड में कितने मीटर वो चलती है। सो मीटर पर सेकेंड में आपको इसका आंसर देना है। सो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो 1 किलोमीटर है उसमें कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स, ठीक है? और जो 1 आवर है आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर को मीटर में, और आवर को कन्वर्ट करना है सेकेंड में। सो 1 आवर में 60 तो मिनट होते हैं, और 60 मिनट के हर एक मिनट में 60 ही सेकेंड होते हैं। सो 60 × 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है? तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 36 सेकेंड, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन, स्पीड ऑफ द कार कितनी गिवन है? 72 किलोमीटर पर आवर। फिर आप ये मेंशन कर दोगे 1 किलोमीटर इसके बराबर होता है और 1 आवर 36 सेकेंड के इक्वल होता है। अब जो 72 किलोमीटर पर आवर है इसका मतलब क्या है? 72 किलोमीटर आ गया ऊपर, अपॉन आवर के साथ कोई भी डिजिट नहीं है, इट मीन्स एक घंटे की बात हो रही है, 1 आवर की बात हो रही है। अब 72 अपनी प्लेस पर, अब की इस पर क्या रिलेशन है? मल्टीप्लीकेशन का। किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 × 1000 अपॉन 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600। अंडरस्टूड? तो जस्ट आपने किलोमीटर की जगह मीटर रख दिया और आवर की जगह सेकेंड्स रख दिए। अब ये क्या हो गया? मीटर, और ये क्या हो गया? सेकेंड। सो 20 से 20 कैंसिल, 36 × 1 = 36, 36 × 2 = 72। सो 2 × 10 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, हो गया कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड में। और आप ये भी देख सकते हो कि 72 किलोमीटर था एक घंटे में और 20 मीटर है सेकेंड में, तो करेक्ट है हमारा आंसर, ठीक है? सो दिस इज अ न्यूमेरिकल नंबर वन। लेट्स डू न्यूमेरिकल नंबर टू। अ स्कूल बस टेक्स 45 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर। एक स्कूल बस है उसको 27 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में 45 मिनट्स लगते हैं। मतलब ये हो गया हमारा डिस्टेंस डी, और ये क्या हो गया हमारे पास? टाइम टी। कैलकुलेट इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। स्पीड क्या होती है हमारी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला लगाकर पहले किलोमीटर पर आवर में स्पीड बता देनी है और फिर मीटर पर सेकेंड में बता देनी है। सो बहुत सिंपल है। सो इसमें हमें क्या दिया है सॉल्यूशन में? डिस्टेंस कितना गिवन है? 27 किलोमीटर्स, और टाइम गिवन है 45 मिनट्स। अब क्या है, पहले उन्होंने किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो किलोमीटर तो है ही डिस्टेंस, इसको मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? सो वन कैसे लिखते हैं? इसमें किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्टेड इनटू आवर्स। और जब मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं 60 से, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 45 अपॉन 60। अब ये 15 के टेबल से कट होगा, 15 × 3 = 45 एंड द 15 × 4 = 60। सो 3/4 आवर हो गया, ठीक है? अब हम लगा देंगे हमारा स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, इसका आपको मार्क मिलता है, ठीक है? मार्क्स होते हैं इस चीज़ के। अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस है हमारे पास 27 अपॉन है, इट मीन्स ये डिवीजन है, ये आपके इजी के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। डिवाइडेड बाय टाइम इज 3/4। अब आपने फ्रैक्शन में देखा होगा कैसे सॉल्व करते हैं। 27 डिवीजन को हो जाता है मल्टीप्लाई, और इसका हो जाता है रेसिप्रोकल, तो आ गया 4/3, ठीक है? तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 47, सो 9 × 4 = 36,
किस में आएगा, ये 30 किलोमीटर में ही आ गया आवर में, सो किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्या है, हमारी स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब इसी स्पीड को मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो ये तो बहुत इजी हो गया। नाउ कन्वर्टेड स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड, तो एज वी नो क्या पता है हमको, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू, हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था किसके इक्वल होता है सेकंड में, 3600 सेकेंड्स। तो कन्वर्ट करना है, देयरफॉर 36 इनटू किलोमीटर की जगह क्या आ गया 1000 अपॉन आवर की जगह क्या आ जाएगा सेकेंड 3600। 20 से 20 कैंसिल, 36 वन ज़ा 36 36 वन ज़ा 36, क्या आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारी स्पीड आ गई, ठीक है। सो ये आ गई हमारी किलोमीटर पर आवर में, और 10 मीटर पर सेकेंड आ गया मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। लेट्स डू न्यूमेरिकल नंबर 3। सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल। जो सलमा है उसको 15 मिनट्स लगते हैं अपने घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए ऑन अ बाईसाइकिल। इफ़ द बाईसाइकिल हैज़ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द स्कूल। तो अभी क्या गिवन है कि अगर उसकी बाईसाइकिल की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, इट मीन्स 1 सेकेंड में वो 2 मीटर्स चलाती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो कैलकुलेट करना है कि उसका स्कूल से, उसके घर से लेके स्कूल तक की डिस्टेंस क्या है, डी फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन स्पीड गिवन है, स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम गिवन है 15 मिनट्स। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जैसे इसकी यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट है मिनट, तो आपको जो टाइम है वो सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो या मिनट को सेकेंड में। अब अगर हम सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे ना तो मीटर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो इट्स बेटर कि हम मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लें। तो अब क्या होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो 15 इंटू 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड्स, तो क्या हो गया 15 6 90 900 सेकेंड्स हो गए। अभी आ गया हमारे पास टाइम आ गया 900 सेकेंड्स और ये स्पीड आ गई, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वो आपने याद किया हुआ है किसके इक्वल होता है, स्पीड के, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। तो आपने ट्रांसपोजिशन में पढ़ा होगा जो चीज़ फाइंड करने की होती है उसको हम अकेला छोड़ देते हैं, स्पीड हमें पता ही है राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमें टाइम पता है, डिस्टेंस फाइंड करना है तो टाइम को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये डिवीजन में है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप एक फॉर्मूला से और फॉर्मूलाज बना सकते हो। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम क्या है हमारे पास 900 सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या हो गया 9 2 18 100, अब ये किस में आएगा हमारा मीटर में आएगा, 1800 मीटर्स हो गया। अब अगर इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन सकता है 1800 डिवाइडेड बाय 1000, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, ठीक है। तो मीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो डिवाइड करेंगे 1000 से 20 से 20 कैंसिल, क्या हो गया 18 अपॉन 10। अब जीरो हटाएंगे तो एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा सकते हैं, तो 1.8 किलोमीटर। तो आंसर क्या लिखेंगे, दस द डिस्टेंस बिटवीन सलमास हाउस एंड हर स्कूल इज 1.8 किलोमीटर, ओके।
लेट्स डू न्यूमेरिकल नंबर 4. अ कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. एक जो कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है फॉर 15 मिनट्स. ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ गए तो इसको टाइम तो लगा 15 मिनट्स, और इसकी स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर. एंड देन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स. अब आगे और ये 15 मिनट्स चला तो इसकी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर. कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे का डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसने कितना ट्रेवल किया. सो देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट है बड़ा सिंपल. सो सी, यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट 15 मिनट्स और इधर की तरफ ले लेंगे अनदर. तो इधर 15 और बाकी के 15 इधर ले लेते हैं. तो फर्स्ट केस में क्या था कि स्पीड कितनी थी? स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना था? 15 मिनट्स. अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि यूनिट शुड बी सेम. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आवर है तो 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं. जैसे 1 आवर किसके इक्वल टू होता है? 60 मिनट्स के. अब क्या है, छोटे यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, मिनट्स को आवर में, है ना. तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. जब बड़ी यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं. जो छोटी यूनिट है इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो 15 को करेंगे डिवाइड 60 से. तो क्या आएगा, 15 वन ज़ा 15, 15 फोर ज़ा 60, 1/4 आवर. तो हमारे पास आगे स्पीड या क्या टाइम. अब डिस्टेंस तो हमें पता ही है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अब स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना है? 1/4 आवर. आवर से आवर कैंसिल, 4 वन ज़ा 4, 4 टेन ज़ा 40. तो क्या बच गया? 10 किलोमीटर. तो फर्स्ट जो ये चला 15 मिनट्स, ये कितना चला? 10 किलोमीटर. ठीक है, अब नेक्स्ट 15 में चला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो इसमें स्पीड क्या है? स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. टाइम इज सेम, 15 मिनट्स. अब जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया है, इसको भी हमें आवर में कन्वर्ट करना है, बट ये सेम ही है, 15 मिनट्स इज इक्वल टू 1/4 आवर. हमने डायरेक्टली बता दिया. अगेन फॉर्मूला ज़रूर लिखना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. और आप बेटर है कि जो फॉर्मूलाज होते हैं उसको ऐसे एक बॉक्स में लगा दो ताकि जो एग्जामिनर है, आपके टीचर है, अच्छे से देख ले कि हमने सही लिखा है. सो डिस्टेंस में इसमें स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर. और टाइम कितना है यहाँ पे हमारा? 1/4 आवर. आवर से आवर कैंसिल, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, 2 बैलेंस 20, 5 ज़ा 4, 5 ज़ा 20. सो हमारे पास क्या आ गया? 15 × 1, 15 और 1 किलोमीटर. तो नेक्स्ट कितना चला? 15 किलोमीटर. तो टोटल कितना हो गया? 25. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 25 किलोमीटर. था ना बहुत सिंपल. लेट्स डू लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 5. द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 5,721 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM. ऑडोमीटर आपको पता होगा, आपके स्कूटर और कार में इस तरीके से होता है जो ये शो करता है कि आपकी जो कार है वो कितना किलोमीटर चल चुकी है ना. तो जैसे कितना शो कर रहा है, 573210 करके, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो है. कितना है ये किलोमीटर्स में? जब जो टाइम था वो 8:30 AM, सुबह के 8:30 AM थे, तो आपका जो ऑडोमीटर है कार का इतना शो कर रहा था. ठीक है, सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफ़ एट 8:50 AM द ओडोमीटर रीडिंग वॉज चेंज टू 5733.6.0. अब क्या हुआ, आपने कार चलाई और टाइम हो गया 8:50 सुबह के, और ये जो ओडोमीटर है इसकी रीडिंग हो गई 5733.6.0.
ठीक है, इस रीडिंग से ये इस रीडिंग पे चेंज हो गया। तो ये कितना सिंपल है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इसमें से ये माइनस कर देंगे हम, अभी इतनी पहुंच गई, पहले इतनी थी, तो इसमें से ये माइनस करके हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, हमने कितना ट्रैवल किया है। ऑल्सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर, तो ये ध्यान रखना है। टाइम निकाल लिया हमने, 8:30 से 8:50 कितने मिनट्स होते हैं, 20 मिनट्स होते हैं सीधे सीधे, तो 20 मिनट्स हैं, ये हमें किलोमीटर में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने दिए आवर, तो मिनट्स को हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो लेट स्टार्ट सॉल्यूशन। इनिशियल रीडिंग ऑफ ऑडोमीटर, इनिशियल रीडिंग क्या है ऑडोमीटर की, 573210 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम, फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर कितनी है, 573360 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज इक्वल टू जो फाइनल रीडिंग है उसमें से इनिशियल रीडिंग को माइनस कर देंगे। सो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, सो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। फाइनल रीडिंग है हमारी 573360 माइनस 573210, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम 573360 573210, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 2 1, 0 0 0। सो कितनी आ गई हमारे पास, 15, और यूनिट क्या है किलोमीटर, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 15 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगा इस चीज़ को ट्रैवल करने में, 8:50 AM माइनस 8:30 AM, तो कितना लगा, 20 मिनट्स, ठीक है। अब हमें लेकिन अपनी यूनिट तो सेम रखनी होती है सॉल्व करने के लिए, ऐसे थोड़ी है कि कुछ मिनट में कुछ आवर में हम सॉल्व कर लेंगे, नहीं। सो एज वी नो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, तो इसको मिनट को कन्वर्ट करते हैं, तो छोटी यूनिट बड़ी यूनिट में जाएगी, तो क्या करते हैं डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 1s are 2 2 3s are 6, तो क्या आ गया, 1/3 आवर, तो ये आ गया हमारे पास टाइम। अब तो स्पीड तो बहुत इजी है ना, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये क्या है, थोड़ा फ्रैक्शन में है, तो इसको इजी बनाने के लिए देखो कैसे लिखेंगे। पहले तो डिस्टेंस लिखती हूँ 15, ये डिवीजन में हो ना टाइम, तो ऐसे लिखती हूँ डिवाइडेड बाय 1/3। अब इजी हो जाएगा, 15 डिवीजन का अगर मल्टीप्लाई कर देते तो नेक्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। सो 1.3 का क्या हो गया, 3/1, अभी तो कट नहीं हो रहे, तो 15 3s are 45, अभी यूनिट क्या आ गई, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस है किलोमीटर में और टाइम है हमारा आवर में। सो हमारा आंसर है 45 किलोमीटर पर आवर।